भाई स्वागत है आपका अपने चैनल फैंसी इलेवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल के रिगार्डिंग बात करेंगे। मैच नंबर 53 जो खेला जाएगा कोलकाता वर्सेस पंजाब के साथ ये मैच होगा। मैच जो खेला जाएगा ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड पे होगा। गाइस यहाँ की टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है और गाइस यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात करते हैं 28% रहने वाली है। हवा गाइस यहाँ पे 8 किलोमीटर बराबर की रफ्तार से रहेगी। बाकी अपडेट्स अगर कुछ चेंज नहीं होती है सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। गाइस आपको फाइनल एसएल टीम भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे गाइज आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन का एसएल और जीएल टीम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। बिल्कुल फ्री टीम होती है गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो या आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब गाइज बात करते हैं ईडन गार्डन की जो स्टैट्स रही है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज स्कोर गाइज यहाँ पे 160 बने हुए हैं, हाईएस्ट टोटल 201 बने हुए हैं 5 विकेट्स पे, लोएस्ट टोटल 70 बने हुए हैं 4 विकेट्स पे। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिसेंट के जो 12 मैचेज खेले गए इसके स्कोरिंग स्टैट्स की हम बात करते हैं। बैटिंग फर्स्ट वाले ने 5 मैच जीते हुए हैं और बॉलिंग फर्स्ट वाले ने 7 मैच जीत करके आ रही है। नो रिजल्ट्स में कोई भी मैच नहीं रहा। बॉलिंग रिकॉर्ड की हम बात करते हैं फास्ट बॉलर 45% विकेट निकाल रहा है अभी सभी मैचेज में। स्पिन बॉलर को 35% गाइज यहाँ पे विकेट मिल रहा है और मीडियम पेसर पार्ट टाइमर 20% विकेट निकाल करके जा रहे हैं सभी मैचेज में। बैट्समैन रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे डेथ ओवर में लास्ट के 50% रन बनते हुए नजर आया और स्टार्टिंग के 30% जो पावर प्ले में आपको रन बनेंगे। अब गाइज बात कर लेते हैं ईडन गार्डन के जो इस वेन्यू पे मैचेज खेले गए उसकी हम बात कर लेते हैं। गाइज फर्स्ट मैच जो यहाँ पे खेला गया था केकेआर वर्सेस आपको गुजरात टाइटन के साथ ये मैच खेला गया था जिसमें पहले बैटिंग करते हुए गाइज यहाँ पर 179 केकेआर बनाई थी। सेकंड बैटिंग करते हुए यहाँ पे गुजरात की टीम ने 180 बना करके मैच को जीत गया था। फास्ट बॉलर को गाइज यहाँ पे फर्स्ट मैच में 7 विकेट मिला हुआ है, स्पिनर 3 विकेट निकाले हुए हैं। सीएसके वर्सेस केकेआर के साथ जो मैच हुआ था पहले बैटिंग करते हुए सीएसके की टीम 235 रन बनाए थे 4 विकेट पे जिसमें 186 रन बनाए थे केकेआर की टीम। मैच केकेआर की टीम हार गई थी। फास्ट बॉलर 6 विकेट निकाले थे, स्पिनर भी 6 विकेट निकालते हुए नजर आए थे। सनराइजर हैदराबाद की हम बात करते हैं पहले बैटिंग करते 228 बनाए थे 4 विकेट्स पर और यहाँ पे सेकंड बैटिंग केकेआर ने की थी 205 बनाई थी जिसमें भी यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद की टीम वैसे विन कर गई थी। फास्ट बॉलर 8 विकेट निकाले हुए थे और यहाँ पे 3 विकेट जो है आपको स्पिनर बॉलर निकाल करके आ रहे थे। लास्ट मैच फोर्थ की हम बात करते हैं केकेआर वर्सेस आरसीबी के साथ जो खेला गया था जिसमें केकेआर की टीम पहले बैटिंग करते हुए 204 बनाए थे और सेकंड बैटिंग करते हुए आरसीबी की टीम जो है यहाँ पे 123 बना करके ऑल आउट हो गई थी। 5 विकेट गाइज यहाँ पे फास्ट बॉलर निकाले थे और स्पिनर की हम बात करते हैं तो 12 विकेट निकाले हुए थे। अब गाइज बात करते हैं दोनों टीम की जो हेड टू हेड मुकाबले खेले गए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल 31 मैचेज खेले गए जिसमें केकेआर की टीम 20 मैचेज विन की हुई है और 11 मैच यहाँ पे पंजाब की टीम विन की हुई है। हेड टू हेड मुकाबले में केकेआर की टीम बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है, अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब गाइज बात कर लेते हैं सीजन्स में पॉइंट टेबल की हम बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट टेबल पे पंजाब की टीम 7 नंबर पे स्टैंडिंग है, 8 नंबर पे यहाँ पे केकेआर की टीम स्टैंडिंग है जिन्होंने दोनों टीम 10-10 मैच प्ले करके आ रही है जिसमें 5 मैच विन की हुई है पंजाब की टीम, 4 मैच केकेआर की टीम विन की हुई है। दोनों टीम यहाँ पे पंजाब की टीम 5 मैच लॉस की हुई है और केकेआर की टीम गाइज यहाँ पे 6 मैच लॉस करके आ रही है। 1 नंबर पे यहाँ पे गुजरात की टीम है, 2 नंबर पे सीएसके है, 3 नंबर पे लखनऊ की टीम है, 4 पे आरआर की टीम है, आरसीबी 5 पे, मुंबई 6 पे है और लास्ट 2 पे जो यहाँ पे है 9 पे सनराइजर हैदराबाद है और 10 पे गाइज यहाँ पे दिल्ली कैपिटल की टीम है। अब गाइज बात कर लेते हैं आज का जो मुकाबला खेला जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। गाइज वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले गाइज आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन भी लेके आया हूँ। आज का जो मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर वर्सेज आपको चेन्नई के साथ में यहाँ पे फ्री गिव अवे 50K का मिल रहा है। आप यहाँ पे जाइए 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ज्वाइन कीजिए। अगर आपने विजन 11 डाउनलोड नहीं किया लिंक गाइज मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में आपको 50,000 का गिव अवे दिया जाता है और गाइज यहाँ पे मेगा जीएल भी है बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब कम एंट्री फी में आप यहाँ पे 50 लाख तक का विन कर सकते हो। और ये गाइज अगर आपने नहीं किया डाउनलोड तो डाउनलोड कीजिए या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाते हो तो वहाँ पे भी गाइज आपको विजन 11 का लिंक मिल जाएगा जहाँ से डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो और 50 लाख तक का विन कर सकते हो और 50K गिव अवे भी आप जीत विन कर सकते हो क्योंकि गाइज यहाँ पे लेस कंपटीशन है, आप इजीली विन कर पाओगे। गाइज वीडियोस में आगे बात करते हैं दोनों टीम की जो टीम की रिव्यू की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली उसकी हम बात कर लेते हैं। आर गुरुवाज रहने वाले हैं, जगदीशन रहेंगे या आपको जेसन रॉय दिख जाएंगे, वेंकटेश अय्यर रहने वाले हैं, नीतीश राणा रहेंगे गाइज यहाँ पे, रिंकू सिंह रहने वाले आंध्र रशेल, सुनील नारायण, डेविड विजे
और गाइस यहाँ पे सरदू ठाकुर रहने वाले, हर्षद राणा दिख जाएंगे और वरुण चक्रवर्ती, ये रहने वाले प्रोबेबल प्लेइंग 11। विदेशी प्लेयर फर्नियर प्लेयर्स की हम बात करते हैं, गुरुवास दिखेंगे यहाँ पे, आंध्र दर्शन रहने वाले हैं, सुनील नारायण, डेविड विजय, ये आपको दिख जाएगा फर्नियर प्लेयर जो आपको कलकत्ता नाइट राइडर में दिख जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं इनके इस टीम की जो स्टैट्स रही है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आर गुरुवास जो अभी तक आईपीएल के मैचेस यहाँ पे 7 प्ले किए हैं जिसमें 183 रन बनाए हुए, स्ट्राइक रेट इनका बहुत बेहतरीन रहा है, 145 का रहा, काफ़ी तेज रन बनाते हैं। रिसेंट के मैच में लास्ट मैच में कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहा, 81 और गाइस 8 रन बनाए हुए हैं। बाकी हेड टू हेड मुकाबले में एक मैच प्ले किया जिसमें 22 रन बनाए हुए हैं और इस वेन्यू की हम बात करते हैं 3 मैच में गाइस 138 बनाए हुए हैं, 46 इनका एवरेजिंग रहा। जगदीशन की हम बात करते हैं गाइस, इन्होंने 13 मैचेज प्ले किए हुए जिसमें 162 रन बनाए हुए, स्ट्राइक रेट इनका 110 का रहा है। हेड टू हेड मुकाबले 2 मैचेज खेले हुए हैं जिसमें गाइस 36 रन बनाए, कोई खास परफॉर्म नहीं रहा। रिसेंट के मैच की हम बात करते हैं 1927 और रिसेंट में भी कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहा, 19 और 27 रन ही बना पाए थे। बट गाइस चाहो तो आप इनको जीएल और एसएल में ट्राई करके जा सकते हो, अच्छे प्लेयर्स हैं, पंट पिक हो सकते हैं। वेंकट सैयर की बात करते हैं, ये लास्ट मैच भी परफॉर्म इनका 2 मैच से परफॉर्म इनका कोई खास नहीं रहा, 7 और 11 रन बनाए हुए हैं, 31, 20 और 104, इसी सीजन्स में ये सेंचुरी भी लगाया हुआ है। और गाइस टोटल मैच 32 प्ले किए हुए हैं जिसमें 855 रन बनाए हुए, स्ट्राइक रेट इनका 129 का रहा है, अच्छे परफॉर्मर है अपने टीम में गाइस, इनको मस्ट पिक करके जा सकते हो एसएल और जीएल में, क्योंकि गाइस ये बॉलिंग भी कराते हो, पार्ट टाइम और बॉलर भी है, ये आपको बॉलिंग भी अगर चांस मिलता है तो बॉलिंग भी कराते हुए नजर आएंगे और गाइस अगर विकेट लेते हैं तो आपके लिए पंट पिक भी हो सकते हैं, तो अपने टीम में इनको ट्राई करके जा सकते हो। नितेश राणा की बात करते हैं, टोटल मैचेस आईपीएल के 100 प्ले किए हुए जिसमें 2456 रन बनाए हुए, हेड टू हेड मुकाबले गाइस इन्होंने 12 प्ले किया हुआ जिसमें गाइस इन्होंने 233 रन बनाया हुआ, 42 इन और रिसेंट के मैच में 42, 4, 48, 27 और 2 विकेट्स भी लिए हुए बॉलिंग कराते हुए, तो टीम के कैप्टन भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और गाइस इनका जो डाउन है ये 3rd 4th डाउन पे बैटिंग करने आते हैं और अच्छे खासे रन बना करके जाते हैं, अगर स्टार्टिंग में अगर विकेट गिर जाती है तो गाइज़ ये आपको ठीक ठाक परफॉर्म भी करेंगे और अच्छे खासे रन बना करके अच्छे खासे फंटासी पॉइंट भी आपको दे सकते हैं। रिंकू सिंह की बात करते हैं, काफ़ी बेहतरीन हीटर, सभी मैच में इनका योगदान बेहतरीन रहता है, लास्ट के भी मैच में गाइज इन्होंने 46 रन बनाया था, 18, 53, 6 और 18 बनाया हुआ, हेड टू हेड मुकाबले एक खेले हुए जिसमें 4 रन बनाए हुए, कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहा हेड टू हेड में। वेन्यू की हम बात करते हैं, एक मैच में 30 रन बनाए हुए और गाइज आईपीएल मैचेज की हम बात करते हैं 27 प्ले किए हुए जिसमें 567 रन बनाए हुए, स्ट्राइक रेट इनका बहुत बेहतरीन रहा, 140 का स्ट्राइक रेट रहा, अच्छे परफॉर्मर है, तेज रन बनाते हैं। और गाइस यहाँ पे आंध्र दर्शन की बात करते हैं, इस टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर, टोटल मैच आईपीएल के 107 प्ले किए हैं जिसमें गाइस इन्होंने 2201 रन बनाया हुआ और गाइस 95 विकेट्स भी निकाला हुआ है, अच्छे ऑलराउंडर है, मस्ट पिक करना, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जरूर ट्राई कर लेना जीएल में। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको सुनील नारायण की हम बात करते हैं, तो ये गाइस टोटल मैचेज आईपीएल के 157 खेले हुए हैं जिसमें गाइस 1038 रन बनाया हुआ, 159 विकेट्स भी निकाले हुए हैं। रिसेंट के फॉर्म की हम बात करते हैं, लास्ट मैच ये विकेट लेस रहे थे, बाकी सभी में यहाँ 5 मैच में टोटल 1 विकेट निकाले हुए हैं। इस सीजन में इनका कोई खास विकेट बॉलिंग्स में विकेट नहीं निकाल पाए, बट गाइस जो ऐसे अच्छे इकोनॉमिकल बॉलर है, अच्छे बॉलर है, आप ट्राई करके जा सकते हो सकता है आज के लिए सुनील नारायण को ही विकेट आपको अच्छे खासे 2-3 विकेट मिल जाए और ये आपके लिए पंट पिक हो सकते हैं। तो गाइज आप इनको जरूर वैसे जीएल टीम में ट्राई करना। डेविड विजय ये इनका 18 मैचेज प्ले किए हुए जिसमें 148 रन बनाए हुए और गाइज 16 विकेट निकाले हुए हैं। गाइज यहाँ पर सरदू ठाकुर की हम बात करते हैं, आईपीएल की मैच 82 खेले हुए हैं जिसमें 86 विकेट लिए हुए हैं और गाइज हेड टू हेड मुकाबला में 10 मैच में 17 विकेट निकाल करके आ रहे हैं, तो हेड टू हेड मुकाबला में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म रहा है, तो अपने टीम में गाइस इनको लेकर के जा सकते हो। पंजाब के खिलाफ अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। हसरत राणा की बात करते हैं, 3 मैच प्ले किए हुए जिसमें 2 विकेट निकाले हुए, नए प्लेयर्स है। और गाइस यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती की हम बात करते हैं, तो ये आपको आईपीएल का टोटल मैच 51 प्ले किए हुए जिसमें गाइस यहाँ पे 56 विकेट निकाले हुए। सूर्य शर्मा की हम बात करते हैं, 7 मैच में 9 विकेट निकाल करके आ रहा है। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रहने वाली है पंजाब टीम की, टीम प्रीव्यू रहने वाली है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इनके तरफ से आज के मैच में जो स्टार्टिंग प्रोबेबल प्लेइंग रहने वाली उसकी हम बात कर लेते हैं, तो शिखर धवन रहने वाले टीम के कैप्टन है। अगाइस यहाँ पे सिमरन सिंह रहेंगे और यहाँ पे मैथ्यू वेट दिख जाएंगे, ऑलराउंडर है, लिविंगस्टोन दिखेंगे, जितेश शर्मा रहने वाले, सैम करन रहेंगे, शाहरुख खान दिख जाएंगे, हरप्रीत बराड़ रहने वाले, राहुल चहर रहेंगे और गाइस यहाँ पे अर्शदीप सिंह रहने वाले और नाथन इल्स जो आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 में आज के मैच में दिख जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं पंजाब की जो स्टैट्स रही है प्लेयर्स की उसकी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे शिखर धवन की हम बात करते हैं, टोटल मैचेस 212 प्ले किए हैं जिसमें 6
6536 रन बनाया हुआ है। आईपीएल में इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन रहा है, और गाइज रिसेंट के फॉर्म की बात करते हैं 30-28-1-8-99 रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन रहा है। हेड टू हेड में 30 मैचेज प्ले किए हुए जिसमें 850 रन बनाए हुए हैं, एवरेजिंग इनका 29 का रहा है। और गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको सिमरन सिंह का हम बात करते हैं, तो सिमरन सिंह का भी जो परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट के 942-926-46 रहे हैं। आईपीएल के मैच की हम बात करते हैं 16 मैचेज प्ले किए हुए जिसमें 283 रन बनाए हुए हैं, ठीक ठाक इनका भी परफॉर्म रहा है। अब गाइज आप देख सकते हो मैथ्यू बैट की रिसेंट के मैच में इनका परफॉर्म 27 वैसे परफॉर्म बैटिंग करके ये रन बनाए हुए थे 27, और गाइज लास्ट मैच में सेकेंड लास्ट में इन्होंने बॉलिंग भी किया था, विकेट लेस रहे थे, बट अच्छे हीटर है ये भी और पार्ट टाइम बॉलर भी है, बॉलिंग कराते हैं। अगर ये विकेट निकालते हैं तो गाइज आपके लिए ये पंट पिक हो सकते हैं, ट्रम्प प्लेयर्स हो सकते हैं। और टोटल मैच आईपीएल का ये 6 प्ले किए हैं जिसमें 170 रन बनाया हुआ है, 19 इनका एवरेज का रहा है। लिविंग स्टोन अच्छे हीटर है, 28 मैचेज आईपीएल के प्ले किए हैं जिसमें 708 रन बनाए हुए हैं, और रिसेंट के मैच में लास्ट मैच में भी गाइज इन्होंने 82 रन बनाया था 40 इन, और गाइज सेकेंड लास्ट की हम बात करते हैं तो इसमें 23 वन विकेट निकाल करके आ रहे हैं। सभी मैच में गाइज इनको विकेट मिला हुआ है, जब भी बॉलिंग कराए हैं विकेट टेकर बॉलर है, और गाइज इनका बैटिंग का जब चांस आता है तो ये कम बॉल में अच्छा रन बना देते हैं। तो कैप्टनसी आप इनको भी जीएल में ट्राई करके जा सकते हो, जो आपके लिए ये अच्छे परफॉर्म करेंगे बैटिंग बॉलिंग दोनों से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जितेश शर्मा रहने वाले विकेट कीपर रहने वाले, और गाइज यहाँ पे 20 मैचेज प्ले किए जिसमें 473 रन बनाए हुए, 28 का एवरेज रहा। हेड टू हेड मुकाबले की बात करते हैं एक मैच प्ले किए जिसमें 21 रन बनाए हुए और 49-21-24-25-41 बनाए हुए रिसेंट के मैचेज में। इनका डाउन थोड़ा सा नीचे, वैसे चाहो तो आप सब टीम में मत इनको जितेश शर्मा को आप ट्राई करना, किसी एक टीम में जीएल टीम में ट्राई कर लेना। सैम करन जो अच्छे परफॉर्मर है, ये भी तेज रन बनाते हैं, बॉलिंग चार ओवर कराएंगे, और गाइस ये आपको 32 मैचेज प्ले किए जिसमें 24 रन की हम बात करते हैं, 529 रन बनाए हुए हैं। और गाइस ये रिसेंट के हम बात करते हैं तो रिसेंट के लास्ट सेकेंड लास्ट में एक विकेट भी निकाले हुए हैं, 29 रन बनाए हुए हैं, और थर्ड में भी गाइस यहाँ पे देख सकते हो 21 रन बनाकर एक विकेट निकाल करके आ रहे हैं। सभी मैच में वैसे बॉलिंग कराते, डेथ ओवर बॉलिंग भी कराते, विकेट टेकर बॉलर ये भी है, आप अपनी टीम में इनको ट्राई करके जा सकते हो। शाहरुख खान की बात करते हैं अच्छे हीटर है, 26 मैचेज आईपीएल के प्ले किए हैं जिसमें इनका जो रिकॉर्ड रहा है 356 रन बनाए हुए, एवरेजिंग इनका 19 का रहा है। रिसेंट का फॉर्म कोई खास नहीं रहा क्योंकि डाउन इनका नीचे है, तो वैसे चाहो तो आप अगर पहले यहाँ पे पंजाब की विकेट ज़्यादा गिरती है तो इनको बैटिंग का टाइम अच्छा मिलने वाला है और डाउन भी इनको मिलने वाला है। तो गाइज वैसे आप एक दो टीम में जेल में ट्राई करना, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। हरप्रीत बराड़ की बात करते हैं, डेथ ओवर ये भी बॉलिंग कराते हैं, बट गाइज टोटल मैचेज इन्होंने 23 आईपीएल के प्ले किए हुए, 30 विकेट निकाल करके आ रहे हैं। अब गाइज यहाँ पे राहुल चहर की बात करते हैं, राहुल चहर अच्छे स्पिनर है, 63 मैचेज में 60 विकेट निकाल करके आ रहे, हेड टू हेड मुकाबले में 8 मैच में 12 विकेट लिए हुए हैं, तो हेड टू हेड मुकाबला इनका कलकत्ता के खिलाफ बहुत बेहतरीन रहा। रिसेंट के मैच में लास्ट मैच में ये विकेट लेस रहे थे, 5 मैच में एक ही विकेट निकाल करके आ रहा है, और वैसे अच्छे परफॉर्मर है। आज आप इनको राहुल चहर को ट्राई करके जा सकते हो। अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिटी अर्कर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डेथ ओवर में, यहाँ पे पंजाब अगर पहले बॉलिंग करती है तो गाइज अर्शदीप सिंह को एज ए कैप्टनसी भी ट्राई करके जा सकते हो। 46 मैचेज आईपीएल का प्ले किए हुए हैं जिसमें 55 विकेट लिए हुए हैं, रिसेंट के सभी मैच में गाइज ये विकेट लेकर के आए, हेड टू हेड मुकाबले में 7 मैचेज प्ले किए हुए जिसमें 8 विकेट लेकर के आ रहे हैं, तो ये कैप्टनसी के लिए भी अच्छे चॉइस बन सकते हैं। नाथन एल्स की हम बात करते हैं तो गाइज नाथन एल्स रिसेंट के मैच में 11 मैचेज आईपीएल के मैचेज में 11 मैचेज प्ले किए हुए, 13 विकेट लिए हुए हैं, रिसेंट के मैच में सभी मैच में ये भी विकेट निकाल करके आ रहे हैं, तो ये भी आपको डेथ ओवर बॉलिंग करा रहा है। तो अपने टीम में गाइस नाथन एल्स अगर पहले पंजाब की बॉलिंग आती है तो गाइस इनको जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि आपको विकेट निकाल करके देंगे। ऋषि धवन की बात करते हैं, 33 मैचेज प्ले किए हुए, 25 विकेट लिए हुए हैं, और हेड टू हेड मुकाबला इनका कोई खास नहीं रहा है, और रिसेंट के भी मैच में गाइज एक लास्ट मैच प्ले किए थे जिसमें एक विकेट निकाल करके आ रहे हैं। अब गाइज बात करते हैं टीम कंपटीशन की, हम बात कर लेते हैं तो गाइज आज का मुकाबला जो खेला जाएगा 50-50 मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीम आपको 7 और 8 पे है, और दोनों टीम आज की मैच जीतना चाहेगी तो दोनों टीम का एफर्टिंग पूरा 100% रहने वाली है, और विनिंग रेशियो भी दोनों टीम की 50-50% आज के मैच में रहेगी। हेड टू हेड मुकाबले में वैसे यहाँ पे कलकत्ता नाइट राइडर्स ने ज़्यादा विन किया हुआ है, बट गाइज आज का मैच आपको यहाँ पे ईडन गार्डन में भी होगा और वैसे मुकाबला बेहतरीन देखने को मिलेगा। सेट टीम की हम बात कर लेते हैं तो सेट टीम में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो लिया हुआ है गुरबाज को गाइज यहाँ पे मैंने लिया हुआ है विकेट कीपर में, शिखर धवन हमारे रहने वाले कैप्टन, जेसन रॉय अगर यहाँ पे खेलते हैं तो हमारे वीसी रहने वाले, नितेश राणा रहेंगे, वेंकटेश अय्यर रहने वाले, ऑलराउंडर सेक्शन से लिविंग स्टोन रहेंगे, सैम करन रहने वाले, आंद्रे रसेल रहेंगे, बॉलर सेक्शन से अर्शदीप सिंह रहने वाले,
रवाडा अगर प्ले करते तो आज के मैच में हमारे टीम में रवाडा दिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे जो अगर ये प्ले नहीं करते तो इनके रिप्लेस में जो प्ले करेंगे उनको पिक करेंगे, वरुण चक्रवर्ती हमारे टीम में रहने वाले। वैसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं, शिखर धवन रॉय रहने वाले हैं गाइज। यहाँ पे आप आंद्रे रसेल को ट्राई कर सकते हो, सैम करन, लिविंग स्टोन, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप जीएल में ट्राई करके जा सकते हो कैप्टनसी के लिए, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सका है। ये ऐसे पांच प्लेयर्स हैं जिनको आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आज के मैच में ट्राई कर लेना। और गाइज फाइनल एसएल टीम आएगी वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी मैचेज की गाइज, आपको यहाँ पर फाइनल एसएल टीम मिल जाते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लाइनअप वगैरह होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, इसलिए मिस मत कीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे दिया, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो, वहाँ पे आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और गाइज आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पेंथर।